नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत हूँ। आज 4 BHK का फ्लैट लाया हूँ और वो भी ऑलमोस्ट 160 से 165 गज का स्पेस हुआ। इन द सेंस इतना बड़ा फ्लैट मैंने अभी तक दिखाया नहीं था। लिफ्ट भी है, कार पार्किंग भी है और लोकेशन शानदार लोकेशन है, बिल्कुल वॉकिंग टू नवादा मेट्रो स्टेशन है। किरण गार्डन का लोकेशन है। बिल्डिंग के फ्रंट में आपको 40 से 45 फुट का रोड मिलता है और जो पार्किंग है, पार्किंग पूरी की पूरी जो है ग्राउंड अंडरग्राउंड पार्किंग मिलेगा आपको। जो फीलिंग आना है वो बिल्कुल ही जैसे कि आप हाउसिंग सोसाइटी में आप फील करते हैं, वो फील आएगा इस फ्लैट में। आज मैं इस फ्लैट को बहुत ही तरीके से घूम घूम के दिखाऊंगा, जनरली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज सो देट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि फ्लैट में स्पेस कितना है। जैसे आप फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में फ्लैट में स्पेस ही स्पेस है, इसलिए आप तरीके से घूम घूम के दिखाऊंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए 8 to 10 सीटर आपके पास सोफा लगा मिल रहा है, उसके बावजूद आप देखिए स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि कितना खुला खुला स्पेस है। और आपके पास यहाँ पे 6 सीटर ऑलरेडी यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा मिल रहा है आपको और पूरा का पूरा हर तरफ स्पेस ही स्पेस है। स्पेस जिनको बड़ा फ्लैट चाहिए ये उनके लिए बिल्कुल ही जबरदस्त फ्लैट है। इतना सुंदर फ्लैट अभी उत्तम नगर में मिलेगा नहीं आपको। अगर आप इस दीवार की अगर बात करते हैं तो देखिए कितना पूरा का पूरा ये दीवार ही जो है आपके लिए टीवी पैनल के रूप में बना दिया गया है, जिसमें कि स्टोरेज भी है, आपके पास पैनलिंग का काम किया हुआ मिल रहा है, लाइट वर्क भी मिल रहा है। इस साइड में आपके पास शोकेस के लिए जगह दी गई है और स्टोरेज भी है। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा एक ही चीज यहाँ पे ना जबरदस्त एक फ्लैट दिख रहा है। अगर हम इस दीवार की अगर बात करें जहाँ के हमारा डाइनिंग टेबल है इससे लगा हुआ में, आप ये देख लीजिए ग्रास और ग्लास दोनों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। वहीं इस दीवार के आपको यहाँ पे स्प्लिट एसी की फिटिंग भी करी हुई मिल रही है। जहाँ तक इस दीवार की बात अगर करेंगे पूरा का पूरा ये एल टाइप की दीवार की अगर बात करेंगे आप तो दीवारों पे भी फुल्टिंग का काम और ग्लास का काम आपको करा हुआ मिल रहा है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कोई भी काम यहाँ पे हल्का काम नहीं दिख रहा है। अब एक बार ये फॉल्सलिंग का आप देखिए, बिल्कुल ही यूनिक फॉल्सलिंग है। आपको फॉल्सलिंग में लाइट वर्क पूरा कंप्लीट दिख रहा है, दो पंखे झूमर ये सारी चीजें लगी हुई मिल रही है। फॉल्सलिंग को तो तरीके से दिखाना होगा और स्पेसियस है, इससे बड़ा फ्लैट अभी एज ऑफ नाउ है नहीं। और ये 4 BHK का फ्लैट है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें स्पेस कितना बढ़िया मिलेगा आपको और वो भी 165 गज का, जबकि जनरली यहाँ पे 4 BHK आपको 115, 120, 125 गज का होते होते इससे बड़ा बन नहीं रहा था। लेकिन ये फ्लैट आपको 160-165 के घर का आपको बिल्डअप एरिया मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये कि बिल्डअप एरिया आपको मिल रहा है। अब लिविंग एरिया ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिया आपको, अब हम लिविंग एरिया से ही लगा हुआ सब सब किचन दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको रूम के साथ ले जाऊंगा। ये हमारा किचन है, प्रॉपर 3 साइड आपको किचन मिल रहा है। ये जो पार्टिकुलर स्पेस है ये आपका फ्रिज के लिए है। ये वॉशिंग एरिया आ गया आपके पास, यहाँ पे आपका ऑलरेडी कटिंग की हुई है, यहाँ पे आपका आरओ लग जाएगा और बहुत ही खूबसूरत ये किचन है, मॉडलर किचन है। आप इसको प्रॉपर आप देखिए,
एक साथ तीन तीन बंदे आराम से इस किचन में आराम से काम कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क बिल्कुल जबरदस्त है। साथ में आपको यहाँ पे बड़ा सा आपके पास में पेंट्री मिलता है, भैया इसको प्रॉपर ओपन करके आप दिखा सकते हैं। और मॉडुलर किचन है तो आपको इसमें चिमनी लगा हुआ होना चाहिए, ये आपका चिमनी लगा हुआ मिल रहा है आपको। और ये ना बालकनी की तरफ है, ये जो विंडो है ये बालकनी की तरफ है, तो ड्यूरिंग द डे इस घर में आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो है हर तरफ आपको टाइल लगा मिल रहा है, कहीं पे भी ओपन स्पेस में जहाँ पे भी अगर स्पेस है वहाँ पे टाइल लगा मिल रहा है। लाइट वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑल सीलिंग में ही पूरी की पूरी लाइट है, हैंगिंग लाइट भी आपको साथ में लगा मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत 10 out of 10 इस किचन को आप दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये किचन सबसे शानदार इस फ्लैट का सबसे मेन जो है ना जान है। मैंने हॉल और किचन आपको दिखाया, अब मैं एक बार थोड़ा नक्शा समझा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं नक्शा बताया नहीं था, नक्शा ये है कि जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप लिविंग एरिया में इंटर करते हैं, दो बेडरूम और किचन ये आपके बालकनी की तरफ आएंगे और एक बेडरूम आपका हॉल से लगा हुआ ये मिल रहा है और दूसरा बेडरूम ये मिल रहा है। इस फ्लैट के अंदर में दो मास्टर बेडरूम है, कहने का मतलब दो बेडरूम ऐसे होंगे जिसके साथ में आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा और एक कॉमन टॉयलेट मिलेगा। वुडन वर्क ऑलमोस्ट सारे के सारे रूम में है। आइए दिखाता हूं मैं पहले पहला रूम, ये हमारा पहला रूम है जो मास्टर बेडरूम है और क्या खूबसूरत रूम है। पुल्टिंग का काम, पैनलिंग का काम किया हुआ मिल रहा है आपको, बेड लगा हुआ मिल रहा है साथ में, टेबल भी है साइड में और लाइट वर्क क्या जबरदस्त किया हुआ मिल रहा है। और स्पेस की बात करेंगे, देखिए मैं बिल्कुल चल के इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जिनको भी स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो में आप डायरेक्टली आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे कितना स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए कैसी की फिटिंग आपको इस फ्लैट में मिल रही है, इस रूम में मिल रहा है और मास्टर बेडरूम है साथ में। यहाँ सामने में आपको यहाँ पे खूबसूरत आपके पास में टीवी पैनल मिल रहा है, टीवी पैनल जो भी है सब बड़ा बड़ा टीवी पैनल है, आप बड़ा से बड़ा टीवी आपका व्यू का यहाँ पे आराम से लग जाएगा। हॉल सीलिंग में ही सारी लाइट का काम मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा आपको, पंखा ऑलरेडी लगा हुआ मिल रहा है आपको, एक बार इसको दिखा दीजिएगा। खूबसूरती अब इसकी ये है कि ये हमारा मास्टर बेडरूम है तो इसके साथ में अटैच टॉयलेट होना चाहिए। यस, अटैच टॉयलेट भी है लेकिन उसके साथ टॉयलेट के जस्ट पहले आपके पास में यहाँ पे ड्रेसिंग का साथ में ऑप्शन भी दिया गया है और क्वालिटी ऑफ वर्क इतना खूबसूरत है कि आते ही आप तुरंत ले जाइएगा। अब हम आपको टॉयलेट दिखाते हैं, ये रहा हमारा टॉयलेट, वॉल हैंगिंग सीट लगी मिल रही है आपको, डाइवर्टर है, शावर यहाँ पे लग जाएगा आपका, ये आपका जो है वॉश बेसिन हो गया, ग्लास लगा हुआ है आपको, जो भी फिटिंग हो गया यहाँ पे जितनी भी फिटिंग मिलेगी सारी की सारी ब्रांडेड मिलेगी, या तो जैगुआर का मिलेगा या इंग्लैंड का मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। वॉल टू वॉल टाइल लगा हुआ मिल रहा है आपको, ये गीजर की फिटिंग भी की हुई है, गीजर आपके आराम से यहाँ पे आपका लग जाएगा, पावर का पॉइंट ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। ये एग्जॉस्ट के लिए हो गया आपका, एग्जॉस्ट यहाँ पे आपका लग जाएगा जो पीछे में शाफ्ट है, एग्जॉस्ट के लिए पावर का पॉइंट ऊपर में आपको दिया हुआ है। जहां तक लाइट वर्क की बात है टॉयलेट के अंदर में, तो फॉल सीलिंग में ही लाइट वर्क किया हुआ मिल रहा है आपको, तो फॉल सीलिंग में ही सारी लाइट मिलेगी। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ, ये हमारा
दूसरा रूम है। अगेन इस रूम में भी अगर आप देखेंगे बेड आपको लगा मिल रहा है, बेड के दोनों तरफ आपके पास स्पेस है, इधर स्पेस है ही है, और उल्टिंग का काम पूरा कंप्लीट मिल रहा है दीवारों पे, दो लाइट आपको वॉल पे लगा मिल रहा है फैंसी लाइट। इस वॉल की अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे स्प्लिट एसी की फिटिंग लगी हुई मिल रही है। और अगर हम इस दीवार की बात करें तो ये पूरी की पूरी दीवार पे ही वुडन का काम कंप्लीट मिल रहा है आपको, इसमें दोबारा आपको काम कराने की जरूरत पड़ेगा नहीं। साथ ही साथ ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जिसमें कि एक छोटा सा स्टोरेज भी है, आप यहाँ पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। इस साइड में अपना साफ है, और इसमें भी अगेन एक फॉल सीलिंग दिखाई, फॉल सीलिंग बड़ा यूनिक लग रहा था, फॉल सीलिंग इसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने आपको हॉल से लगा हुआ दोनों रूम दिखा दिया। अब इसके बाद, इससे पहले कि मैं आपको बाकी दो रूम दिखाऊं, आगे बढ़ने पे ही हमें यहाँ पे ये आपका कॉमन टॉयलेट मिलता है। कॉमन टॉयलेट आपके पास वॉल हैंगिंग से लगा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका गीजर की फिटिंग कंप्लीट मिल रही है, डाइवर्टर लगा हुआ यहाँ पे मिलेगा, शावर आपको यहाँ पे है, वॉश मशीन और ग्लास आपको लगा मिल रहा है, वॉल टू वॉल टाइल है। इस फ्लैट के अंदर में जितना भी आप जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग देख रहे हैं, ये जो स्विचेज वगैरह है, ये सारे कोना के हैं, और जो केबल वगैरह जो भी देखेंगे वो सारा पॉलीकैस्ट का है। तो जो भी चीज इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, या फिर सैनिटरी फिटिंग हो, या फिर टाइल हो, ये सब आपको यहाँ पे ब्रांडेड ही मिलेंगे। आइए अब आगे चलते हैं हम अपने तीसरे बेडरूम। ये हमारा तीसरा बेडरूम है, और इसमें भी आप देखिए क्या खूबसूरत काम किया हुआ मिल रहा है। इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप इसका काम ही बोल रहा है, समझाना भी ज्यादा मुझे लगता नहीं पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे फुल साइज का बेड लगा हुआ है, पूरी की पूरी दीवार पे आपके पास उल्टिंग का, पैनलिंग का, साथ ही लाइट वर्क का जबरदस्त कॉम्बिनेशन किया हुआ मिल रहा है आपको। बेड लगने के बावजूद हर तरफ आपके पास स्पेस है। अगेन इसमें भी यहाँ पे आपके पास में वर्क फ्रॉम होम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, और एक एक स्पेस को बेसिकली यूटिलाइज किया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी चीज अपना रख सकते हैं, आपके पास स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वहीं इस दीवार पे अगर बात करें दूसरे दीवार की तरफ, तो यहाँ पे भी आपको ये पूरा का पूरा फुल साइज का आपके पास में ऊपर से नीचे तक का आपको अलमीरा मिल रहा है, और बेड के बिल्कुल सामने में आपको ये पूरा का पूरा इसमें भी आपको टीवी पैनल मिल रहा है। तो आपके पास में लकड़ी का काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस फ्लैट में। जो भी काम हुआ है सब टॉप क्लास का काम है। जहां तक हम इसकी लाइट की बात करेंगे, अगेन पूरा का पूरा फॉल सीलिंग का काम है, सारी लाइटें आपको सीलिंग में ही मिलेगी, आपको फैन वगैरह लगा मिल रहा है, और थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन है इसमें डिजाइनिंग में, आपको बिल्कुल ही अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। और ये चूंकि बालकनी की तरफ आएगा, तो आप यहाँ पे आपका विंडो एसी आ जाएगा। अभी हम आपको बालकनी की तरफ भी ले जाएंगे। विंडो एसी की फिटिंग ऑलरेडी यहाँ हो रखी है, और जो इसको आप गौर कर लीजिए, ग्लास का भी आपके पास में है और नेट का भी है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है खिड़की में, आप कोई भी दोनों पल्ले आपके पास हैं। अब हम आगे चलते हैं बालकनी की तरफ, और बालकनी से ही हम चौथे बेडरूम में चलेंगे। ये हमारा बालकनी स्पेस है, ये बालकनी में आ गए, और अब एक एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये ऑलमोस्ट 40 फुट का स्पेस है। अभी हमारा टेम्पल फ्लैट ही तैयार हुआ है, ऑलमोस्ट 40 फुट का स्पेस है। इसको मेन मटियाला रोड बोलते हैं। यहाँ से हार्डली 100-150 मीटर की दूरी पे आप मेट्रो पिलर 723 नंबर मेट्रो पिलर आ जाएगा, जिसके सामने में ही आपको नवादा मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और वही इधर से अगर आप जाएंगे तो हार्डली 700-800 मीटर पे आप द्वारका सेक्टर 3 के अंदर में इंटर कर जाएंगे। इस प्लेस की बोटिंग जैसी होने की वजह से दिन भर का धूप आपको यहाँ से इस घर में इस अपर ग्राउंड फ्लोर पे भी आ रहा है। तो इमेजिन कर लीजिए, अगर ऊपर में अगर आप फ्लैट अगर लेते हैं तो वो कितना लाइट देगा उसमें। जहाँ तक बालकनी के अंदर में
टाइल के जगह पे यहाँ पे पत्थर का यूज किया गया है, बहुत ही खूबसूरत वेट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और परमानेंट काम है। जो भी आपने स्प्लिट एसी की फिटिंग देखी थी आपने अंदर में, सबका आउटर आपको यहाँ पे बाहर में ही बालकनी में मिलेगा। और ये जो बालकनी की ये जो चौड़ाई है ना, आप इस पे गौर कर लीजिए, 4.5 फुट की चौड़ाई है। कुर्सी वगैरह लगा के आराम से आप अपना चाय वगैरह पी सकते हैं, बात कर सकते हैं बालकनी में, नेचुरल हवा नेचुरल धूप का आप मज़ा इंजॉय कर सकते हैं। और वॉशिंग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अभी पैर लगना बाकी है, ये जगह पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पे पावर का पॉइंट भी दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारा बालकनी का स्पेस है और बालकनी नाना करते हुए भी ये ऑलमोस्ट आपको 20 से 21 फुट का बालकनी मिल रहा है, यानी 20-21 की आपको ऐसे बालकनी मिल रहा है और चौड़ाई में आपको 4.5 का मिल रहा है। इन अपर स्पेस है, आराम से मजेदार, जिसको कहते हैं ना कि बालकनी का व्यू होना चाहिए ना, बालकनी का कम्फर्टेबिलिटी, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। जहाँ तक बालकनी में लाइट का काम है, अगेन इसमें भी आपको पूरा का पूरा सीलिंग में आपको लाइट मिल रहा है आपको। आइए अब मैं आपको बालकनी से ही हम अपने चौथे रूम में चलेंगे, इन द सेंस दो बेडरूम का आपका एक्सेस जो है वो बालकनी से है। ये हम आ गए अपने चौथे बेडरूम में, जो कि हमने बालकनी से भी किया था। चौथे बेडरूम में आप इसमें भी इंटर करने के बाद आपको यही दिख रहा है कि बेड लगने के बावजूद हर तरफ आपके पास स्पेस ही है। बार बार मैं इस फ्लैट में जब से मैंने वीडियो का स्टार्ट किया है, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, इसमें स्पेस है। जिनको भी खुला डुल्ला घर चाहिए, कंफर्टेबिलिटी चाहिए, उनके लिए ये परफेक्ट है। आप एकदम 4 BHK का फ्लैट, लग्जरियस फ्लैट है, देखते ही पसंद आ जाएगा, ये मैं कमिटमेंट आपको कर रहा हूँ। अब जैसे बेड यहाँ पे लगा हुआ आपको मिल रहा है, काम भी टॉप क्लास का है, कुल्टिंग का काम आपको मिल रहा है, पैनलिंग का काम मिल रहा है, साथ में ग्लास वर्क भी मिल रहा है और आपके पास में लाइट का काम भी मिल रहा है। एकदम जबरदस्त जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन है, देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। इस रूम में भी आपको अलमीरा मिल रहा है और जो भी अलमीरा है वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक फुल साइज का अलमीरा है। साथ ही साथ यहाँ पे ड्रेसिंग का भी आपके पास जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ड्रेसिंग का भी आपके पास इसमें ऑप्शन मिल रहा है। और मैंने बोला था आपको कि हमारा 2 मास्टर बेडरूम है, अभी तक मैंने पहला रूम ही आपको मास्टर बेडरूम के रूप में दिखाया था, ये बेडरूम भी हमारा मास्टर बेडरूम होगा। इसके साथ भी हुई हमने इसमें अटैच टॉयलेट का ऑप्शन रखा है। इस रूम में भी आपको बेड के ठीक सामने में आपके पास टीवी पैनल मिलता है, जो भी टीवी पैनल है सब स्पेशियस टीवी पैनल है, आपके पास स्पेस इनफ है ऊपर से नीचे तक का, और खूबसूरत टीवी पैनल है, देखने में सब अच्छा लग रहा है। और इसके साथ में भी यहाँ पे आपको अटैच टॉयलेट जो मिल रहा है, देखिए इस पे आपको तीनों के तीनों टॉयलेट, 2 अटैच है एक कॉमन है, तीनों के तीनों और टॉयलेट आपके पास में, बिल्कुल ही स्पेशियस टॉयलेट है आपके पास में, वॉल हैंगिंग सीट लगा मिल रहा है। ये हिंदवेयर का है, जो भी मैंने आपको बताया था ना कि सारे ब्रांडेड है, ये भी हिंदवेयर का है। जगुआर की सारी फिटिंग मिलेगी अलग से इस साइड में आपको। तो आपके पास में ये वॉश मशीन का जगह हो गया, ये आपका वॉल हैंगिंग सीट हो गया, यहाँ पे आपका डाइवर्टर लगा मिलेगा आपको, ये यहाँ पे शावर आ जाएगा और ये हमने फिटिंग ऑलरेडी करके दी हुई है, यहाँ पे आपका आराम से गीजर लग जाएगा। और स्पेस देखिए कितना अच्छा स्पेस आ रहा है आपके पास में। और साथ ही साथ अगर लाइट वर्क की बात करेंगे तो पूरा का पूरा सीलिंग में ही है, वॉल टू वॉल खूबसूरत टाइल लगा हुआ मिल रहा है आपको। तो ये हमारा ओवरऑल जो मैंने आपको अपना चौथा बेडरूम दिखाया, हाँ इसमें मैंने आपको एसी के लिए नहीं बताया था, तो यहाँ पे एसी का फिटिंग यहाँ पे किया हुआ है, आपका विंडो एसी आराम से यहाँ पे लग जाएगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक 4 BHK का और बिल्कुल ही टॉप क्लास के लोकेशन पे, और अभी इस फ्लैट के अंदर में काफी फ्लैट है मिल जाएगा आपको, जिन लोगों को भी ऑप्शन चाहिए। कहने का मतलब है टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है, अपर ग्राउंड भी अवेलेबल है, मिडिल वाला भी अवेलेबल है। तो फ्लैट अभी ऑलमोस्ट सारे बचे हुए हैं, 1-2 फ्लैट ये भी बुक हुए हैं। लोकेशन फिर से बता रहा हूँ, लोकेशन जो है वो नवादा मेट्रो से लगा हुआ है, कॉलोनी का नाम है किरण गार्डन। बिल्डिंग के फ्रंट में आपको 40 से 45 फुट का रोड मिलता है और एक ऐसे लोकेशन पे है जिसमें कि आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी नज़दीक है, द्वारका की कनेक्टिविटी भी नज़दीक है। अगर आपके घर में कोई गुड़गांव वर्किंग है उसको भी सूट करेगा, साउथ दिल्ली वर्किंग है उसको भी सूट करेगा,
सेंट्रल दिल्ली वर्किंग है उसको भी सूट करेगा। इन द सेंस मेट्रो से लेके आपके पास अपना कन्वेंस अगर है तो सबके लिए ये परफेक्ट लोकेशन है। इस बिल्डिंग से हार्डली 50 मीटर की दूरी पे भी दूरी भी नहीं होगी, आपको बिल्कुल ही एक बड़ा सा वेल डेवलप पार्क मिलता है। तो आपको पार्क की फैसिलिटी भी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, सारा चीज, हर चीज इस फ्लैट में आपको कंप्लीट मिलेगा। रजिस्ट्री का है, फ्री होल्ड का है, तो इसमें आराम से आपको इजीली आपको होम लोन भी मिलेगा। जहाँ तक इस फ्लैट का रेट से रिलेटेड है, विजिट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो हमारे वीडियो में आपको नंबर मिल रहा होगा, नंबर आ रहा होगा आपको, उस नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपका बढ़िया से आपको हम यहाँ पे विजिट कराएं, आपकी जो भी क्वेरी हो उसको हम सॉर्ट आउट करें और ये फ्लैट आपको आराम से आपका ये ड्रीम हाउस बन सकता है, ड्रीम घर बन सकता है। दिल्ली में इससे खूबसूरत फ्लैट उत्तम नगर के अंदर में अभी तो अवेलेबल नहीं है, मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। सारी फैसिलिटी है, हर चीज़ फैसिलिटी है, आपको इसमें कहीं से भी कोई भी चीज़ आप इसको काट नहीं पाइएगा कि हाँ इसमें ये कमी रह गया, ये कमी रह गया। जनरली जितने भी हम आपको फ्लैट दिखाते हैं उसमें लिविंग एरिया में वो स्पेस नहीं मिल पाता कि भैया डाइनिंग भी हो जाए, ड्राइंग भी हो जाए, साथ में मूविंग स्पेस भी हो जाए। अभी हम लिविंग एरिया ये अपने हॉल में ही है और कितना कम्फर्टेबली आप देखिए, इधर आपका ड्राइंग का स्पेस आ गया, डाइनिंग का स्पेस आ गया, स्टिल वी आर हैविंग इन अपर स्पेस कि जिसमें कि हम चल के आपको आराम से आपको हर चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। खूबसूरत फ्लैट है, एक बार देखने जरूर आइए। होपफुली ये वीडियो आपको जरूर मेरा पसंद आया होगा, बिकॉज मुझे ये वीडियो दिखाने में भी बहुत मजा आया है। प्लीज़ हमारे चैनल को यूँ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और हाँ कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद, जय माता।